स्टूडेंट हम 16 चैप्टर के प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई में त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई दे रखी है उसको लिख लेंगे, बेलन की त्रिज्या दे रखी है उसको लिख लेंगे। अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात में बटे में अपन लिख लेते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों का सूत्र अपन याद है तो 2πr ब्रैकेट r प्लस h अपॉन 2πrh, 2πr से 2πr दोनों में कट गया, r प्लस h अपॉन h रह गया। r की जगह r की वैल्यू अपन ने लिख दी, h की जगह h की वैल्यू लिख दी, इनको प्लस करना है और इसका भाग देना है। तो इनको प्लस करने पे 11 आ गया, 7.5 पॉइंट हटा देंगे तो 10 लगा देंगे, 5 के पार्ट से काट देंगे, 5 दुनिया 15 75, फिर 15 तो 22 अपॉन जो 11 दुनिया 22, 22 अपॉन 15 आया तो ये अनुपात आ गया 22 अपॉन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरेक ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं, छोटे शंकु की तिरेक ऊंचाई L2 मान लेते हैं और बड़े शंकु की L1 मान लेते हैं। इनका अनुपात अपन को दे रखा है L1/L2 बराबर 5/4, जो कि अपन को दे रखा है। छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr L2 बराबर 400 सेंटीमीटर जो कि हमें दे रखा है, और बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो कि हम सूत्र बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो πr L1 अपॉन πr L2। अब बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr से πr कर देगा L1/L2, और छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 400, 4 से काट दिया 100 बार कट गया, 100 × 5 = 500। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक से इकाई लिख दी वर्ग सेंटीमीटर, तो ये इकाई लिखना जरूर होता है, इसके भी नंबर होते हैं। तो सूत्र के अनुसार हमने स्टेप बाय स्टेप किया। अगला क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन दे रखा है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो गोले का आयतन हमने लिख लिया, तो आयतन का सूत्र 4/3πr³, क्योंकि आंसर हमें दे रखा है तो इसके सूत्र से हमें r का मान निकालेंगे। r³ ये सारी की सारी इकाई यहाँ जाएगी, तो 4 यहाँ आ गया, 4/3 ऊपर चला गया, पाई का मान 22 और 7 ऊपर चला गया, 22 से इसे काट दिया तो 1764 हो गया, और 7 × 3 किया तो 7×21 हो गया, 4 से इसको काटा तो ये 441 आ गया, 441×21, 441 के टुकड़े किया तो 21×21, तो 3×21 आ गया। तो r का मान निकालेंगे तो 1×21 ले लेंगे, घर निकल जाएगा। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4×22/7 और r की जगह हम 21 जो माना आया था उसको रख देंगे, 21×21, 7 से काट दे 3, 22 × 88 और 21 × 63, 88×63 करेंगे तो 5544, और इसकी वर्ग इकाई है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी इकाई सेंटीमीटर और क्षेत्रफल में वर्ग का स्क्वायर लगा के निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन किए। तो आप समझ सकते हैं कि 16 चैप्टर आके आसानी से, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिख के और वैल्यू पुट अप करके अच्छे से जोड़ भाग की गुणा भाग करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप 15 और 16 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ओनली फॉर्मूला याद करें। थैंक यू।